हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राम राम जी। तो दोस्तों बताइए कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं नीति कशेको एक बार फिर से करती हूँ स्वागत दिल से। तो जी आज मैं हाजिर हूँ एक नया व्लॉग लेकर और आप सभी का स्वागत है आज के न्यू व्लॉग में। और गाइज जैसा कि आप सभी को पता है आज है भैया दूज। तो जी आज का व्लॉग भी स्पेशल होगा और स्पेशल इसलिए क्योंकि जी आज मैं जा रही हूँ अपने मायके। तो गाइज चलिए चलेंगे आप सभी को लेकर अपने मायके। लेकिन उससे पहले मैं और मम्मी जी सुनेंगी कहानी। कहानी मैं यहीं पर सुनकर जाऊंगी मम्मी जी के साथ में। तो जी चलिए अब सुन लेते हैं कहानी। आज देखिए अब मैं और मम्मी जी सुनेंगे कहानी और फिर कहानी सुनकर हम तो जाएंगे जी अपने मायके और मम्मी जी के आएंगे मायके वाले यहीं पर। तो जी अब देखिए फटाफट से कहानी सुन लेते हैं। यम द्वितीया भैया दूज की कहानी। यह त्योहार कार्तिक पक्ष की द्वितीया को मनाया जाता है। यह भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। इस दिन भाई बहन को साथ साथ यमुना स्नान करना, तिलक लगवाना तथा बहन के घर भोजन करना अति फलदायी होता है। इस दिन बहन भाई की पूजा करके उसकी दीर्घायु तथा अपने स्वास्थ्य की कामना कर हाथ जोड़कर यमराज से प्रार्थना करती है। इस दिन यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन कराया था, इसलिए इसे यम द्वितीया भी कहते हैं। इस दिन श्रद्धा भाव से स्वर्ण वस्त्र मुद्रा आदि बहन को देना चाहिए। देखिए हम तो अब निकल रहे हैं। ठीक है मम्मी जी? हाँ ठीक है। अपना ध्यान रखियो, हम चल रहे हैं। जल्दी आवेंगे, जल्दी आवेंगे। तो चलिए गाइज चलते हैं। प्रीत और उसके पापा पहले ही जा चुके हैं नीचे। मैं और देवशी जा रहे हैं अब बाद में, है ना दीशु बेटा? देखिए आज त्योहारों में भीड़ कितनी है। वैसे जबरेडे में ज्यादा भीड़ नहीं रहती, लेकिन आज देखिए जाम लगा पड़ा। देखिए त्योहार का आज लास्ट दिन है। हम पहुंच चुके हैं अपने घर पर भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए। और जी अब यहाँ तो धूप में गर्मी सी लग रही, गाड़ी में बच्चों ने एसी चलवा रखा था, वहां पर मुझे तो बहुत ठंड लग रही थी। और जी बच्चों ने आते ही करना शुरू कर दिया है एंजॉय और आफत मचा रहे हैं जिससे आए हैं। तो जी अब दिखाएंगे आपको अपने भाई दूज का त्योहार मनाने के लिए। देखिए अब हम करेंगे भाई दूज का त्योहार सेलिब्रेट। और जी अब हम करेंगे अपने भाई भतीज को और अपनी भाभी को तिलक। आइए गाइस दिखाएंगे आपको। Oh,
नाम भरती रहूंगा कि नाम के नाम को मैं बड़े वाला को फूल डाल दो सर पे उधर तो गाइस देखिए अब करेंगे तैयारी घर पर चलने की। हम आए थे इधर अपनी ताई जी के यहाँ पर और ये छोटा सा बेबी हमारे साथ ही बैठ चुका है गाड़ी में। ये तो अपनी मम्मी के पास भी नहीं जा रहा क्योंकि बच्चों को होता है जी घूमने का बहुत शौक, और ये भी है हमारे साथ उधर ही जाएगा घर पे। तो जी अब चलते हैं घर की तरफ। चलो अंदर घुस जाओ, बहुत हो लिया। Hey!
गाइस देखिए अब हम आए अपनी छोटी बुआ जी के यहाँ पर, और गाइस चलिए आप भी मिलिए सबसे, ये छोटी बुआ जी है, और अब मिलेंगे अपनी जेठानी जी से। ये है जी हमारी जेठानी जी, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं हम दोनों। और गाइस अभी ये मिल रहे हैं बुआ भतीजे, यहाँ पर चल रहा है बुआ भतीजों का प्यार। और जी देखिए यहाँ पर बच्चे कर रहे हैं एंजॉय, सब बच्चे बुआ जी के घर पर। और ये है जी आशीष जी के बड़े भैया नवीन भाई साहब। और जी देखिए बच्चे चारों तरफ को घूम घूम के पूरे घर का मुआयना कर रहे हैं, और एक दूसरे के साथ है जी सभी बहुत खुश। देखे ही है हमारे एक्सपर्ट, ये कलर देखकर बता देते हैं कि कौन सा अमरूद मीठा निकलेगा और कौन सा नहीं। अच्छा शकल से तो देखने में मीठा लग रहा है। देखिए त्योहारों में बाजारों की रौनक कितनी डेकोरेशन चलती है जी। त्योहारों में बाजार अच्छे तरीके से डेकोरेट किए जाते हैं। और गाइस हम पहुंच चुके हैं अब जबरेड अपने घर की तरफ, हमें जी रवाना।